हाय स्टूडेंट, मैं हूं संभो। यस के इड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। आज लेके आया हूं एक नई वीडियो, एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब एक्सेल के बारे में आज के क्लासेस में हमको जानना है कि किस इंटरफेस को क्या कहते हैं और इस एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हर एक ऑफिस में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज के क्लासेस में कि कैसे एक्सेल को ओपन किया जाता है, किस इंटरफेस को क्या कहा जाता है, मतलब आज बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। इसको ओपन करने के तरीके क्या होते हैं, तो चलिए कई सारे तरीके होते हैं, हम एक एक करके जानते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, अगर हम रन बॉक्स ओपन करते हैं, रन बॉक्स मतलब एक प्रकार का विंडो प्लस आर दबाते हैं, और विंडो प्लस आर दबाने के बाद से हमें टाइप करना होता है एक्सेल। तो मैंने टाइप किया EXCEL। जैसे एक्सेल टाइप करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए हमारा इस प्रकार का एक्सेल का इंटरफेस दिखाई देता है, मतलब एक प्रकार का यही हमारा एक्सेल होता है। अब सबसे पहले देखते हैं किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है, थोड़ा इसको हटाते हैं, और एक और तरीके क्या होते हैं ओपन करने के लिए, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे टाइप कर देंगे एक्सेल। जैसे एक्सेल टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखाने लगेगा और यहाँ से भी ओपन किया जा सकता है। लेकिन चलिए, हमने ओपन करके रखा है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे टास्क बार में आता हूँ, और टास्क बार में आने के बाद से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद से देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। चलिए जानते हैं किस इंटरफेस को क्या कहा जाता है। देखिए, जो हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक दिखाई देता है, हम इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और एक्सेल जब भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ओपन करते हो, तो फाइल का नेम होता है बुक वन, और उसके बाद से बताया जाता है यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए थ्री बटन दिखाई दे रहे हैं, हम इसे बोलते हैं मिनिमाइज बटन, इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन, और इसे बोलते हैं क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन का काम क्या होता है, अगर मिनिमाइज कर देते हैं तो हमारा यह एक्सेल है यह छुप जाएगा हमारे टास्क बार में। अगर फिर से इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। यह क्या होता है, हम इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन, मतलब एक प्रकार का यह बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। और उसके बाद से जो हमारा दिखाई दे रहा है, इसे क्लोज बटन कहते हैं। अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है। क्या होता है? एक्सेल सॉफ्टवेयर हमारा क्लोज हो जाता है। तो हमने जाना क्या? टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार, बुक वन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, इस पूरे को क्या बोला जाता है? टाइटल बार। उसके बाद से फिर से आते हैं, यहाँ पे जो हमारा दिखाई देता है, हम इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे थ्री बटन्स होते हैं, क्या? सेव, अंडू और रीडू। सेव, अंडू और रीडू। और जो बगल में जो दिखाई देता है, या इसे बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन, मतलब एक प्रकार का। और इस ऑफिस बटन के सहारे हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जैसे नया फाइल ओपन करना हो, ठीक है, न्यू सीट ओपन करने हो, इससे सेव करने हो, सेव एज करने हो, आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रकार का यह हमारा होता है टाइटल बार। अब आते हैं नीचे, हम इस पूरे ऑप्शन को बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार। जैसे होम मेनू बार, इंसर्ट मेनू बार, पेज लेआउट मेनू बार, फार्मूला बार, डाटा बार, या वैसे बोल सकते हो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू, या बोल सकते हो होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, मतलब एक प्रकार का ऐसा मेनू है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप बनाए गए होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड ग्रुप, मतलब इस ग्रुप में हमारे चार ऑप्शन हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर और पेस्ट। वैसे होम में ही यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप बनाया गया है, जिसमें देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिया गया। उसके बाद से यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलाइनमेंट, मतलब अलाइनमेंट ग्रुप है, इसमें अलाइन के बारे में दिया गया है। वैसे नंबर के बारे में दिया गया है, मतलब ये जो सारे जो दिख रहे हैं ग्रुप, एक प्रकार के होम टाइप के ग्रुप हैं। वैसे हम इंसर्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंसर्ट टाइप के ग्रुप दिखाई देंगे। तो एक प्रकार का समझ जाओ, अगर